नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल सुपर टेक में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड समस्या को दूर करने की मैं कोशिश कर क्या हूँ। इस वीडियो में आप इसमें सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने कंप्यूटर का जो स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, मतलब इसको परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। तो पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पावर ऑप्शन को हम लोग कस्टमाइज करके हम इसको इसका परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है कि हम इसको डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम को डिसेबल करके भी हम अपना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ओवर ऑप्टिमाइज ड्राइव, ड्राइव को ऑप्टिमाइज करके डीफ्रेगमेंट करके उसको इस कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसको भी देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा डिलीट अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स, जो जंक फाइल्स है उनको भी डिलीट करके भी हम अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रीफेचिंग में जो है, जो बैकग्राउंड प्रोसेस में जो प्रोसेस चलने की वजह से जो भी जंक फाइल इकट्ठा होता है उसको किस तरह से हम लोग डिलीट करके हम अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्लीन अप मेमोरी को क्लीन करके, मतलब डिस्क क्लीन करके भी हम अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम बिना समय गवाए अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इस स्टेप्स को फॉलो करके अपने कंप्यूटर परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी आपका सवाल हो या कुछ भी आपको पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे में आप लिखिए, तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम सारे स्टेप को फॉलो करके हम अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है पावर ऑप्शन में। पावर के लिए जाने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाते हैं आपको मिलेगा पावर ऑप्शन, ओके, वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, पावर ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको जो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है उसमें से क्रिएट ए पावर प्लान को क्रिएट करना है। तो अपना मन मुताबिक से आप पावर को यूज़ कर सको, इसके लिए आपको पावर प्लान को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 3-4 प्लान क्लिक कर रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे HP रिकमेंडेड का, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजम्पशन और अनकैपेबल हार्ड ड्राइव। इसका मतलब है कि जितना हमारा जो हार्ड ड्राइव का जो कैपेसिटी है उतना ही ये पावर यूज़ करेगा और कंप्यूटर को चलाएगा। तो इसमें ये नॉर्मल कंप्यूटर में जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करके कंप्यूटर को चलाता है। तो यूजली यही सेटिंग हम लोग रखते हैं जिसके तहत जो बहुत सारा फाइल वगैरह जो कंप्यूटर में आ जाता है कहीं से या इंटरनेट से और भी बहुत सारा यूज़ करके जो प्रोसेस फाइल जंक फाइल जो आ जाता है उसके ऊपर और पावर कंजम्पशन हो जाता है। ये सेटिंग में रखने से आपका कंप्यूटर उस लेवल तक काम नहीं करने लगता, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कंप्यूटर चलता रहता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हाई परफॉर्मेंस मोड में रखना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, क्रिएट प्लान, ओके, क्रिएट प्लान में क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाके देखिए 3 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन में बता चुका हूँ कि HP रिकमेंडेड प्लान का है, दूसरा पावर सेवर का है। तो इस पावर सेवर में इसको पावर सेव करके कंप्यूटर चलेगा, तो उससे आप अपना कंप्यूटर को फास्ट नहीं कर सकते, हाँ आप उसको स्लो कर सकते हो। लेकिन हमको जाना है कि हाई परफॉर्मेंस प्लान में जाना है। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस प्लान में जाके हमको यहाँ पे प्लान का नाम दे देना है, ओके, नाम दे देना है और उसको सेलेक्ट करके हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके इसको प्लान का नाम दे देना है, कस्टम प्लान का नाम दे के नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये क्रिएट करेगा, ठीक है, नया प्लान क्रिएट करेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करने से ये प्लान क्रिएट कर देगा, ठीक है, तो कस्टम प्लान क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमारे जो सिस्टम का जो अपीयरेंस था पहले के मुताबिक तो अब टाइट हो चुका है। ठीक है, तो पहले अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो ऑप्टिमम जो HP रिकमेंडेड लेवल में चला गया। ठीक है, इसलिए हमारा जो डिस्प्ले जो प्लस डिमिनिश हो गया, पावर कंजम्पशन कम हो गया, तो ये नॉर्मल मोड में चला गया। तो लेकिन हमको जाना है हाई परफॉर्मेंस मोड में जाना है, तो यहाँ क्लिक करते ही ये फिर से हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाएगा और कंप्यूटर पहले के मुताबिक फास्ट काम करने लगेगा, एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमको टेम्पररी थेरेपी सर्च डिलीट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम अपने सर्च बार में टाइप करते हैं शिफ्ट परसेंट टेम्प TEMP, ओके, शिफ्ट परसेंट टेम्प, शिफ्ट परसेंटेज टेम्प, फिर परसेंटेज शिफ्ट दबा के परसेंटेज दबाना है, मतलब परसेंट टेम्प परसेंट टेम्प, तो उसको जाकर एंटर दबाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा जंक फाइल दिखेगा, ये मेरे केस में क्या है कि मैं ऑलरेडी इसको क्लीन कर चुका हूँ, तो ये इसमें ज़्यादा फाइल नहीं दिख रहा है। मैं हर महीने में दो बार या फिर दो महीने में एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ कंप्यूटर को, ताकि मैं अपना मेरा कंप्यूटर जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। उसके लिए मेरे यहाँ पे जंक फाइल दिख नहीं रहा है, टेम्पररी फाइल दिख नहीं रहा है, तो हम इंटर फाइल दिख नहीं रहा है, तो दो ही फाइल दिख रहा है, तो मैं दोनों फाइल को एक ही करके डिलीट कर सकता हूँ या फिर तो नेक्स्ट है दोस्तों कि डिसेबलिंग द स्टार्टअप प्रोग्राम। तो स्टार्टअप प्रोग्राम ऐप ऐप जो भी रन होता रहता है कंप्यूटर में, उसके वजह से भी हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस में बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए राइट क्लिक मारिए टास्क बार में और वहाँ पे टास्क मैनेजर में क्लिक कीजिए। तो टास्क मैनेजर में क्लिक करते ही हमें देखेगा कि टास्क मैनेजर में एक बहुत सारा टैब है, उसमें से एक टैब है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में जाते हैं, आपको देखिए कौन कौन सा ऐप जो रनिंग में है। तो स्टार्टअप में तो उससे क्या होता है कि जो जो प्रोसेस जो रनिंग में काम में नहीं है वो भी रन कर रहा होता है, तो उसको वजह से क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर रहा होता है, जिसके तहत हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस में बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके अगर उसको हम डिसेबल कर देते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर को फर्स्ट रन करने में मदद करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइवर जो एक चल रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ये जो है वो अनेबल है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि मेरे कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस में बहुत सारा सुधार आए, ठीक है। तो इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल हो चुका है, तो इससे ये भी जो भी प्रोसेस रिसोर्स यूज कर रहा हो तो ये फ्री कर दिया। फ्री करने से क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर फास्ट रन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो दोस्तों नेक्स्ट है डीफ्रेगमेंटेशन। तो डीफ्रेगमेंटेशन के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना होगा डीफ्रेगमेंटेशन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डीफ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का ऑप्शन आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगा, तो इसमें हम जिस ड्राइव का फाइल को फ्रेगमेंटेड से डीफ्रेगमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एनालाइज करके उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे। ऑप्टिमाइज मतलब डीफ्रेगमेंटेशन, ओके। तो एनालाइज करने में कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ये आप होने के बाद आप उसको कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज में समय लगता है क्योंकि ये सारा मेमोरी को स्कैन करता है, फिर इसको फ्रेगमेंटेड फिर फाइल से डीफ्रेगमेंट करता है, इसलिए बहुत समय लगता है। तो मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, करके आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रीफेचिंग का। प्रीफेच के लिए आपको जाना है रन में, सर्च बार में आप रन टाइप कीजिए। रन टाइप करते ही आपको यहाँ पे लिखना है प्रीफेच PEFPCH, प्रीफेच लिखना है। और प्रीफेच लिखते ही आपको देखेंगे कि आप बैकग्राउंड में जो भी फाइल चल रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, उसको यहाँ देखिएगा, क्योंकि ये सब जो एक्स्ट्रा फाइल से जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कर रहा है कंप्यूटर का और इसका परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए तो ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी फ्री अप हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्लीन अप मेमोरी डिस्क, ओके। तो डिस्क क्लीन करना है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के ड्राइव्स में, ओके। ड्राइव्स में जाइए, तो सी ड्राइव में जाके राइट क्लिक मारिए। राइट क्लिक मारने के बाद आप नीचे में देखेंगे प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिए तो वहाँ पे आप देखिएगा आपको डिस्क क्लीन, ओके। तो डिस्क क्लीन में आप क्लिक कीजिए तो ये एनालाइज करता है, स्कैन करेगा अभी कि क्या क्या फाइल उसको क्लीन करना है, ओके। ये ओनली सिस्टम फाइल को छोड़ के बाकी जो भी अनवांटेड फाइल है उसको स्कैन करके क्लीन करता है। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको ऐसा ना लगता हो कि ये हमारे सिस्टम फाइल को क्लीन डिलीट करके हमारे
कंप्यूटर को ख़राब करते, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब करते, सारा ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट अनवांटेड टेम्पररी फाइल को, जंक फाइल को ही डिलीट करता है, सिस्टम फाइल को ये हाथ नहीं लगाता, माइक्रोसॉफ्ट फाइल को हाथ नहीं लगाता है, ठीक है। तो अभी ये शायद स्कैनिंग कर रहा है, क्या क्या फाइल्स को डिलीट करना है स्कैनिंग कर रहा है। तो स्कैनिंग करने के बाद ये आपको डिलीट का ऑप्शन दे देगा, थोड़ा सा समय ले रहा है, ठीक है। दिस मे टेक ए फ्यू मिनट्स टू कम्प्लीट, ओके, लिख के बताया कुछ स्टार्ट में लगेगा। तो दिस स्क्रीन इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस, ओके, तो एक स्पेस कैलकुलेट कर लिया, टोटल अमाउंट टू डिस्क स्पेस यू गेन इज 17.1 MB, हम गेन कर पाएगा अगर इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। ओके सर, डिलीट फाइल्स को डिलीट क्लिक करते ही ये डिलीट कर दिया, जो अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल और योर मिसिंग जो भी है, आप ये क्लीन कर डिलीट करके क्लीन कर देगा, ठीक है। दैट्स इट, ये दोस्तों ये कुछ सिंपल स्टेप्स है जिसको यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हो, आपके कंप्यूटर अच्छा स्पीड स्मूथ चलेगा और कोई दिक्कत स्मूथ चलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने का जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो काफ़ी आसान स्टेप्स था जिसको यूज़ करके आप महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार इस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो, मतलब जो यूजल जो प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में उसको आप रिजॉल्व करके अपने कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस को पास कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिला होगा, अगर तो इससे मैं आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी इस तरह के बहुत सारे जो टेक की बातें मैं बता सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में सहायता हो। तो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो जो अपकमिंग वीडियो आ रहा है उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों खुश रहिए, अच्छा स्वस्थ रहिए और अच्छा रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय।